सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स। सो गाइस, जितने भी आज आपको लैपटॉप दिखाऊंगा सारे के सारे एडिटिंग तो बहुत अच्छे से कर ही पाएंगे, साथ ही साथ आपकी जितना भी लाइक प्रोडक्शन वर्क होगा बहुत प्यार से कर पाएंगे। गाइस, मैं बजट इसमें नहीं रखा है, अराउंड लाइक 50 से 70 के अंदर ही हैं सारे के सारे लैपटॉप्स। बट गाइस, फिर भी मैंने इसमें बजट नहीं रखा कोई सा भी कि 50K के अंदर या 70K के अंदर। बट मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 ऐसे लैपटॉप्स जो कि आपकी एडिटिंग और कोई सा भी प्रमोशनल एंड प्रोडक्शन वर्क कुछ भी आराम से कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले गाइस, लेट्स गेट जंप राइट इनटू इट। नाउ गाइस, सारे के सारे जितने भी लैपटॉप हैं सारे के सारे अमेज़न की लिस्टिंग है। सो गाइस, सारे के सारे जो प्राइसेस हैं वेरी होते हैं। और मैंने जो HP Envy, अगर मैं बताऊं एक लैपटॉप आने वाला है इस लिस्ट के अंदर, वो HP Envy जो था पहले 60,000 या 63,000 के अराउंड था। बट गाइस, उसका रेट जो है थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया है और वो 70 के अराउंड पहुँच गया है। सो गाइस, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, द फर्स्ट लैपटॉप दैट आई वांट टू टॉक टू यू गाइस इज द डेल इंस्पिरॉन 5378। सो गाइस, ये 13.3 इंचेस का लैपटॉप है। एंड गाइस, अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो स्क्रीन साइज में जो लैपटॉप्स होते हैं थोड़ी ये वाले जो है थोड़ा कम रहेंगे, 15.6 इंचेस आपको नहीं मिलेगा। बट गाइस, जो स्क्रीन की डेंसिटी है एंड स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये विंडोज 10 के साथ आता है प्री बिल्ड, एंड इसके अंदर 7 जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर मिलता है, साथ ही 8 GB की रैम, 1 TB की इंटरनल स्टोरेज। सो गाइस, ये विंडोज 10 के साथ आता है जैसे मैंने आपको बताया, और इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है ये। और गाइस, इसके अंदर आप अगर चलाना चाहते हैं Adobe Premiere Pro बहुत प्यार से चल जाएगा। गाइस, इसके अंदर मैं बात करूँ अगर आपकी प्रोसेसर स्पीड के बारे में तो आपको इधर मिलता है 2.5 GHz का प्रोसेसर। एंड गाइस, उसी तरफ DDR4 की 8 GB की रैम है इसके अंदर, और साथ साथ इंटेल SG620 ग्राफिक्स कार्ड है। अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्प्ले रेजोल्यूशन की तो 1920x1080 की आपको इसके अंदर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। सो गाइस, 1080p अगर टाइमलाइन अगर आप प्लेबैक करते हैं अपने Adobe Premiere में तो आपको बड़े आराम से यहाँ पे प्ले हो जाएगी वो। सो गाइस, ये जो लैपटॉप ये अराउंड 65,999 रुपीस का, सो ऑलमोस्ट ये आ जाता है 66,000 रुपीस का। सो गाइस, ये वाला जो लैपटॉप है आप एक बार कंसीडरेशन जरूर लीजिए, बिकॉज गाइस डेल की तरफ से ऑफरिंग है और बहुत बेस्ट लैपटॉप लगता है इस प्राइस रेंज के अंदर। देन गाइस, जो सेकंड अब लैपटॉप है ये वाला जो लैपटॉप, बहुत लोग जो है इसको ऊपर नहीं ध्यान देते बिकॉज गाइस ये LG की तरफ से आता है तो लोग सोचते हैं LG का हम लैपटॉप क्यों ले। बट गाइस, ये LG का ग्राम 14 लैपटॉप है, और गाइस इसको जो हाइप मिली थी इस पिछले 2016 के अंदर बहुत ज़्यादा थी। एंड गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको इसके अंदर मिलती है 14 इंचेस की डिस्प्ले, 3 जनरेशन का कोर i5 प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 256 GB की SSD एंड विंडोज 10 एंड इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं इसके अंदर भी आपको। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी अगर और हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के और अंडर अगर डीप जाए हम तो इसके आपको मिलता है 2.3 GHz का प्रोसेसर। साथ ही जो इसकी डिस्प्ले वो है 14 इंचेस की, और गाइस जो 1080p डिस्प्ले है। सो गाइस, आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आपको IPS टेक्नोलॉजी मिलती है। सो जो आपके कलर्स हैं ऑल दैट है वो बहुत ज़्यादा लाइक ऑन द पॉइंट होंगे, तो और जो आप अगर अपनी फोटो एडिटिंग करते हैं लाइक कलर ग्रेडिंग करते हैं तो आपको ये वाले लैपटॉप के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी बिकॉज जो इसकी डिस्प्ले वो ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइस, सारे के सारे जो जितने भी लैपटॉप हैं बहुत ज़्यादा पोर्टेबल हैं बिकॉज गाइस इनका स्क्रीन साइज एंड बॉडी टू स्क्रीन रेशियो बहुत कम है, बल्कि लैपटॉप पे कोई सा भी नहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस, ये वाला जो लैपटॉप है ये आपको विंडोज 10 प्रीलोडेड के साथ आता है, और ये 64,265 रुपीज का है अमेजोन के ऊपर। गाइस, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाकर वहाँ पर चेकआउट इसको कर सकते हैं। देन गाइस, जो अब नेक्स्ट लैपटॉप हमारा इस लिस्ट के अंदर आ जाता है वो है एसुस की तरफ से। यस गाइस, एसुस की तरफ से हमारे पास है गाइस R558UQ। सो गाइस, ये जो लैपटॉप इसका मॉडल नंबर है, और ये गाइस 15.6 इंचेस का लैपटॉप है। अगर आप लोग क्यूरियस थे कि 15.6 इंचेस का लैपटॉप आप लोगों को लेना है, सो गाइस ये वाला जो लैपटॉप आप रिकमेंडेशन ले सकते हैं एक बार। अगला इसकी मैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटेल कोर i7 विच इज 7 जनरेशन प्रोसेसर विद 8 GB ऑफ रैम एंड 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क। सो गाइस, इसके अंदर आपको SSD नहीं मिलेगी, आपको इसके अंदर सॉलिड बेस हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है। बट गाइस, अगर मैं उसी तरफ इसकी बात करूँ स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, और अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस तो गाइस प्राइस इसका आ जाता है 55,530। सो गाइस, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ इसके अंदर 1920x1080 की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। सो गाइस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कलर सैचुरेशन एंड ऑल दैट होती है बिल्कुल बढ़िया है। एंड गाइस, DDR4 रैम के साथ ये लैपटॉप आ जाता है। बट गाइस, अगर हम बात करें इसके अंदर जो भी लाइक ये जितने भी अभी मैं आपको लैपटॉप्स बता रहा हूँ सारे के सारे जिनका प्राइस है बहुत ज़्यादा लाइक बिल्कुल बेस्ट सूटेड मेरे को लग रहा है प्राइस, बिकॉज गाइस ये वाला जो लैपटॉप आ रहा है अराउंड 55,530 रुपीज़ का। सो गाइस, जो लैपटॉप का प्राइस है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन का। सो गाइस, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है, अगर आप लेना चाहते हैं तो Asus का ये वाला रिकमेंडेशन एक बार जरूर लीजिएगा। विंडोज 10 के साथ प्रीलोडेड ये आता है। सो गाइस, जितने भी लैपटॉप हैं आजकल विंडोज 10 प्रीलोडेड आते ही आते हैं। सो गाइस, अब जो मैं बात करने वाला हूँ HP Envy, जो मैंने आपको पहले बताया था जिसके रेट बढ़ गए हैं, ये वो लैपटॉप है। सो गाइस, ये जो लैपटॉप है ये HP Envy 13 इंचेस। सो गाइस, ये 13 इंचेस, अगर इसके लुक्स की बात करूँ तो लुक्स बहुत अमेजिंग है। वही अगर मैं लुक्स की बात करता हूँ तो LG Gram के लुक्स भी बहुत अच्छे हैं और Dell XPS 13 के भी लुक्स बहुत अच्छे हैं।
बाकी HP ये जो NV 13.3 inches का लैपटॉप है, कोर i7 6th generation प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है विद 8 GB ऑफ रैम एंड 256 GB की हार्ड ड्राइव आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है विद विंडोज 10 होम प्रीलोडेड एंड इसके अंदर आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलते हैं। सनगाइज अगर मैं बात करूँ से लाइक बिल्ड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, साथ मेटल आपको ऑलराउंड मिलता है और उसके अंदर आपको 1920x1080 की फुल HD डिस्प्ले मिलती है। सो गाइज वो भी IPS टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है एंड जो कलर्स है मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था बहुत ओवरवेल्म्ड होंगे और बिल्कुल ऑन द पॉइंट होंगे। बट क्या इसके अंदर मेरे को जो मेन ग्राइब लगती है वो है DDR3, आई डोंट नो वाई, बट जो रैम है वो DDR3 है ना कि DDR4, सो पता नहीं उन्होंने इतना पीछे क्यों कर दिया है। बाकी जो रेट है इस लैपटॉप के थोड़े ज़्यादा बहुत हैं, सो उस हिसाब से ये लैपटॉप मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको फर्स्ट पॉइंट लेने के लिए अगर, लेकिन अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप ये वाला लैपटॉप एक बार देख सकते हैं अगर आप लुक्स चाहते हैं और वो सब चाहते, क्योंकि गाइज ये लैपटॉप जो है अराउंड आता है 78,000 rupees, गाइज बहुत ज़्यादा है और इतने में तो शायद मैकबुक प्रो भी आजकल सस्ती हो रही है तो वो ले सकते हैं। नन्हे जो लास्ट लैपटॉप है इस लिस्ट के अंदर वो एक इतना गुड लुकिंग लैपटॉप या वो सब नहीं है, लेकिन ये जो लैपटॉप है बहुत ज़्यादा केपेबल लैपटॉप है अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं। यस गाइज, बिकॉज गाइज ये लेनोवो का आइडियापैड 510S है जो कि आप लोगों ने बहुत बार इस लैपटॉप के बारे में सुना होगा। एंड गाइज ये जो 15.6 inch का लैपटॉप है इसके अंदर आपको कोर i5 7th generation प्रोसेसर देखने को मिलता है, साथ साथ 8 GB की रैम एंड 1 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव स्टोरेज जो कि मैकेनिकल ड्राइव के साथ आती है। सो गाइस इसके अंदर विंडोज 10 आपको इनबिल्ट मिलती है और यही लैपटॉप हमारी इस पूरी लिस्ट के अंदर था जिसके अंदर आपको मिलता है एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। सो गाइस 2 GB की वीडियो रैम आपको इस ग्राफिक्स कार्ड के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड गाइस अगर लुक्स की बात करें तो इतना कोई खास लैपटॉप नहीं है, बट आपको इसके अंदर सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो फिर VGA हो, इंटरनेट हो एंड ऑल दैट, USB 3.0 हो, सारे आपको पोर्ट्स के अंदर आप देखने को मिल जाएंगे। बट गाइस ये जो लैपटॉप है थोड़ा बल्कियर है एंड वो सब है, तो अगर आप लोग वो नहीं चाहते तो आप लैपटॉप को बिल्कुल मत देखिएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि एक परफॉर्मेंस चाहिए आपको, चाहे आप जो लैपटॉप को बल्कियर हो तो आप इस लैपटॉप कंसीडरेशन लीजिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ज़्यादा अच्छा है, 54,000 rupees में आपको इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। बट गाइस जो इसकी मेन फीचर है जहाँ पे ये लैक करता है वो है इसकी डिस्प्ले। यस गाइस इसके अंदर आपको 1366x768 की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD डिस्प्ले नहीं है, जो मेन इसका ग्राइप है और जो मुझे भी लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बट गाइस अगर मैं बात करूँ हार्डवेयर एंड प्राइस की, दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कट ऑफ देखने को मिल जाता है। सो गाइस यही थे आज के 5 लैपटॉप जो मुझे लगते हैं कि आप लोगों को दिखाने चाहिए थे, जो कि अगर आप चाहते हैं एक अच्छा लैपटॉप लेने के लिए जो कि आपको पहला लैपटॉप होगा और शायद आप उसे 2-3 साल तक चलाएंगे। सो गाइस यही थे आज के लैपटॉप जिनमें आप वीडियो एडिटिंग भी कर पाएंगे और आराम से कोई भी प्रोडक्शन वर्क कर पाएंगे। सो गाइस अगर आज को आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं एंड एनीवेज गाइस थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम गाइस बेस्ट।